अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब, वो भी उत्तर प्रदेश में, तो फिलहाल स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स की कमी नहीं है। प्रवक्ता भर्ती अभी होकर के चुकी है आपकी, एक और प्रवक्ता भर्ती आज से शुरू हो गई है, जिसका पूरा डिटेल आपको यहाँ इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलिए आज की इस वैकेंसी का पूरा डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो ये भर्ती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, और इस भर्ती का नाम है प्रवक्ता भर्ती। इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 सितंबर से, और आप इसके आवेदन जमा करा सकते हैं बैंक में। जो जमा कराने की अंतिम तिथि है फीस आपकी, वो 12 अक्टूबर है, और 15 अक्टूबर तक इसके लास्ट आप आवेदन शुरू करा सकते हैं, आवेदन जमा करा सकते हैं, और दिसंबर में 12 दिसंबर इसके टेंटेटिव एग्जाम की डेट दी हुई है। तो यहाँ इसकी फीस देखिए आप, फीस अगर जमा कराते हैं आप, अनारक्षित हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो ₹225 आपकी फीस है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ₹105 फीस है, दिव्यांग भाई बहनों के लिए फीस काफी कम है, केवल ₹25 है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ₹105 फीस है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ इसका विवरण देख लेते हैं। एक्चुअल में ये ऊपर देखिए आप, भर्ती जो है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग की है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो आपके प्रवक्ता है उनके लिए भर्ती है, साथ साथ आपके प्रधान आचार्य की भर्ती भी है। तो पद देख लीजिए, प्रधान आचार्य के 13 है, और व्याख्याताओं के कुल पद देखिए हम अलग अलग, तो यांत्रिक अभियंत्रण में 238 है, विद्युत अभियंत्रण में 213 है, सिविल अभियंत्रण में 125 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 145 है, और कंप्यूटर व्याख्याता की भर्ती की बात करें कंप्यूटर प्रवक्ता की, तो 132 पद है। बाकी काफी संख्या में पद है, पर पदों की संख्या बाकी जगह काफी कम है। तो कुल 1370 व्याख्याता या प्रवक्ताओं की भर्ती कह सकते हैं, यूपी में लेक्चरर्स की भर्ती है इन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। अब चूंकि ये भर्ती इंजीनियरिंग कॉलेज से या इंजीनियरिंग सेक्शन से जुड़ी हुई है, तो हर भर्ती के लिए अलग अलग पद या अलग अलग स्थिति दी हुई है। डिटेल्स मैंने आपको बताया, इसका फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या होगा, और इसका एग्जाम स्कीम भी मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो इसमें सबसे बड़ी बात कि रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ रखा गया है, और इसका ये आप देख सकते हैं, इसके आवेदन पत्र का यहाँ तरीका बता रखा है किस तरीके से करें, आवेदन ऑनलाइन होंगे, ये इसकी एग्जाम स्कीम है या एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो कुल पद है वो, एक तो प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर में, एक तो आपके लेक्चरर के या प्रवक्ता के या व्याख्याता के, दूसरे आपके प्रधान आचार्य के, तीसरे कर्मशाला अधीक्षक के, और चौथे पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हैं यहाँ। अब इनमें दो दो प्रश्न पत्र होंगे, तो देखो जीके आपको काफी सारी पढ़नी पड़ेगी प्रधान आचार्य के पद पे अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो। दो पेपर होंगे, पहले में आपके सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे, और सामान्य अध्ययन जो आपका पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न आएंगे, तो हर प्रश्न 3 अंक का होगा, तो कुल 375 अंक का पेपर हो गया, ढाई घंटा आपको मिलेगा। सेकेंड में आपके जो कुल आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जीके होगा, जिसमें आपके 125 प्रश्न होंगे, तो ये भी 375 का होगा, ढाई घंटा मिलेगा। तो और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, तो कुल आपके 375 प्लस 100 यानी कि 850 में से आपका सिलेक्शन होगा प्रधान आचार्य के लिए। अब बात कर लेते हैं व्याख्याता की, तो व्याख्याता में आपके सामान्य हिंदी के तो 25 सवाल आएंगे ही, 75 अंक के कुल, बाकी फिर आप जो सब्जेक्ट चुनेंगे उसके 100 सवाल आएंगे, तो 375 आपके इस तरीके से अंकों के, ढाई घंटा आपको दिया जाएगा। और लेक्चर कर्मशाला अधीक्षक की बात करें तो यहाँ भी 25 प्रश्न हिंदी के तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो 75 अंकों के ये होंगे, 100 जो प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे, 300 अंकों के, तो वही ढाई घंटे, 375 अंक। अब यहाँ बात करें हम पुस्तकालय अध्यक्ष के, तो सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न 75 अंक के, 100 प्रश्न आपके पुस्तकालय आएंगे लाइब्रेरी साइंस का आएंगे 300 अंक के, तो ढाई घंटे, 375 अंक। और सेकेंड जो आपका पेपर होगा उसमें भी वही आपके 25 प्रश्न जीके के आएंगे, जिसमें आपके 75 नंबर होंगे, और फिर आपके लाइब्रेरी साइंस के 100 प्रश्न होंगे जो 300 होंगे, तो 375 प्लस 375, और आपका इंटरव्यू 100 अंक का, तो वही 850 का आपका इसका प्रश्न पत्र होगा। तो विस्तृत इसका सिलेबस वगैरह जल्दी जारी कर दिया जाएगा, वेबसाइट का लिंक मैंने आपको यहाँ दे दिया है। अब यूपी लेक्चरर या यूपी प्रवक्ता की इस भर्ती में जो सबसे बड़ा विवाद ये है कि ये भर्ती 3 साल पहले निकली थी, और उस भर्ती को इन्होंने बंद कर दिया, आज नया विज्ञापन निकाल के ठोक दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि इस 3 साल में जो लोग ओवर एज हो गए मेरे भाई बहन, उनका क्या होगा, उसके बारे में ये बिल्कुल शांत है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल दी हुई है। अब एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इस भर्ती में डेफिनेट जो लोग 3 साल पहले फॉर्म भरे थे, आवेदन भरे थे, और अब ओवर एज हो रहे हैं, तो उनको सरकार को मौका देना ही पड़ेगा, कोई भी ऐसा कारण नहीं है सरकार उन्हें मौका नहीं दे। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, सरकार इस मामले में बिल्कुल सोचना पड़ेगा, और आपको मौका मिलेगा जो लोग ओवर एज हो रहे हैं वो भी।
तो कुल मिला के अच्छी वैकेंसी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवक्ता या लेक्चरर की भर्ती है, बहुत अच्छे इसमें पद है, 1370 पद है। आपको केवल एक सीट चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, टेक्निकल एजुकेशन का मामला है ये, तो इसमें कंप्यूटर साइंस के देखिए आप, कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर की भर्ती भी 132 पदों पर, काफी अच्छी पदों की भर्ती निकली है। योग्यताएं सबके अलग अलग है, आप एक बार डिटेल देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन दिया है। इस भर्ती के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, तो अब ये भर्ती निकल चुकी है, क्लियर कंफर्म हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम स्कीम या फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपका एग्जाम होगा, टेंटेटिव 12 दिसंबर डेट है, फिर इसमें आपका इंटरव्यू होगा, तो दो तरीके से आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये था डिटेल प्रवक्ता भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजर वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।